स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में दोस्तों आज हम बात करने वाले दो टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले पिक्सल वर्स के बारे में पिक्सल वर्स ने सच में जो किया कम्युनिटी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया दोस्तों ऐसा करना ही नहीं चाहिए था कोई भी माइनिंग ऐप ऐसा नहीं करता हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा पिक्सल वर्स ने किया किसी भी माइनिंग ऐप ने नहीं किया तो क्या इन्होंने किया है हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्लेम करना चाहिए में पड़े रहने देना चाहिए जो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मन में उस पर सारा खुलासा आज के सेशन में हम लोग कर लेंगे उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हेम्पर हैं, कॉम्बैट के बारे में हेम्सर कॉम्बैट में दो नए अपडेट आए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आज हम वीडियो सेशन में कर लेंगे दोस्तों स्वागत तो है आप सबका आपका चैनल यू क्रिप्टो क्रिप्टो की दुनिया फ्री माइनिंग की दुनिया जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने बेल आइकन ऑल सेट पे दबा दीजिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेमस्टर हेमस्टर कॉम्बैट कॉम्बैट के बारे में में दो अपडेट आ गए हैं दोस्तों तो दो अपडेट कौन सा है एक इन्होंने मिनी गेम लेकर आया है उसमें तो मिनी गेम प्ले करना है और आपको की मिलने वाला है अभी ये की का इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं अभी तो इन्होंने कुछ भी बताया नहीं फ्यूचर में उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस हो सकता है उसके बाद में दूसरा लाया स्किन्स लाए हमारा जो हैमस्टर है उसके हम लोग स्किन्स बदल सकते हैं कपड़े बदल सकते हैं सब कुछ अलग सा लुक दे सकते हैं उसके लिए हमें कभी कभी 2.5 मिलियन पॉइंट्स कभी 200 मिलियन पॉइंट्स 100 मिलियन पॉइंट्स ऐसे देने पड़ते तो अभी ये हमारे पॉइंट्स कम होते जाएंगे हम लोग लेवल कैसे बढ़ाएंगे हम लोग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे तो अभी ये क्या जनरेट कर रहा है ये लोग इतने कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं sure वाले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पहले ही एक तो पिक्सल वर्स ने दिमाग घुमा रखा तो ये क्राइटेरियाज नहीं होना चाहिए सब कुछ आपको नॉट कॉइन की तरह साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं है दोस्तों तो नॉट कॉइन ने जैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया था वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा हर एक कोई ना कोई नया क्राइटेरिया नया कोई झंझट नया कोई ड्रामा ये लोग ला रहे तो अभी देखो इससे जितना कर रहे हो उतना कर लेना हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है इसमें से हमें बेनिफिट रिवॉर्ड जो भी मिलने वाला है तो बहुत कम मिलने के चांसेस है दोस्तों पार्ट कैसे लेना है, रोज के रोज वो कैसे लेना है। इसके ऊपर बना दी है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए और रोज के रोज की कैसे आप गेन कर सकते हो उसका सारा डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों तो ये हो गई हैमस्टर कॉम्बैट की बात दोस्तों अब बात करते हैं में वर्स ने बहुत बहुत गलत काम किया है कम्युनिटी के साथ में दोस्तों इन्होंने मतलब इतना क्राइटेरिया चेंज कर दिया इतना चेंज कर दिया क्राइटेरिया कि इनको कोई सीमा ही नहीं है दोस्तों इनको बहुत चीज चेंज कर दिया अभी हमको जो मिलने वाले तो उसमें का सिर्फ टेन परसेंट यह आप विड्रॉल कर सकते हो बचा हुआ नाइनटी परसेंट वेस्टिंग में जाने वाला ये इन्होंने पहले कह दिया था बराबर तब तक भी ठीक था वेस्टिंग में चले गया लेकिन वेस्टिंग का उन्होंने क्या बता दिया था कि बाद में वो लोग हम लोग गेम खेल के वो वेस्टिंग रिलीज कर सकते हो तो अभी हम लोग गेम खेल के कुछ एक्टिव रह के हम लोग एक दो महीने में रिलीज कर लेते तब तक भी ठीक था तब तक भी ठीक था लेकिन कल उन्होंने ये पोस्ट डाल दिया दोस्तों ये वाली पोस्ट उन्होंने डाल दिया कि हमारे दो साल के लिए स्टेकिंग पर लगने वाले हैं हम अगर ये निकाल लेते हैं तो दो साल के लिए हमारे स्टेकिंग पर लगने वाले देखो ये पोस्ट था इसमें उन्होंने बता दिया था कि हमारे दो साल के लिए स्टेकिंग पर लगने वाले तो देखो दोस्तों अगर आप लोग ट्विटर पे एक्टिव हो तो देखो हमने उनके खिलाफ में ये ट्वीट कर दी है कि आपने कम्युनिटी को बिट्रे किया है चीट किया है आपको कम्युनिटी को जवाब देना पड़ेगा ये ट्वीट देखो हमारी थर्टी फाइव के में चली गई है बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है आप लोग भी अगर इस पर हो और ये ट्वीट हमारी हंड्रेड के में चली जाती है हमारी बात उन तक पहुंचोगी उन तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन बाकी सब लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी और बाकी सब लोग सतर्क हो जाएंगे कि वो फ्यूचर में जाके हमारे साथ कम्युनिटी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है लाइक करना है और इसको रिपोस्ट कर देना दोस्तों और ये जो ट्वीट हमने कर दी थी ये इन्होंने उनके डिस्कॉर्ड हैंडल से तुरंत निकाल दी दोस्तों उनको समझ में आ गया उन्होंने क्या गलती की है क्या नहीं किए ये पोस्ट अगर आप जाके सर्च भी करते हो तो अभी डिस्कॉर्ड में आपको ये पोस्ट मिलने वाली नहीं है दोस्तों उनकी तो अभी यहां पर ऐसा है दोस्तों आपको देखो अगर पांच हजार दो सौ दस कॉइन मिले हैं तो उसमें के कॉइन आप विड्रॉ कर पाओगे लेकिन अगर आपने ये 521 कर दिए तो आपके 90 वो लोग वापस ले लेंगे फिर से ले लेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल गलत है ये जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो माइनिंग की हुए है टोकन है ये कम्युनिटी के है आप कम्युनिटी से वापस नहीं ले सकते ये बहुत गलत काम किया है पिक्सलवर्स ने तो ऐसा उन्होंने कम्युनिटी के साथ नहीं करना चाहिए था दोस्तों तो अभी समझ रहे आप? आपके पास अगर पांच हजार दो सौ दस कॉइन है तो उसमें से 521 सौ इक्कीस आप विड्रॉल कर सकते हो और अगर आपने ये विड्रॉल कर दिया तो बचे हुए कॉइन्स आपको मिलने वाले नहीं क्लियर यस yes. हाँ अगर आप विड्रॉल नहीं करते तो 26 महीने के लिए वो फोर्सफुल स्टेकिंग होने वाली है जबरदस्ती आपसे स्टेकिंग लगाने वाले आप 26 महीने तक तो वो विड्रॉल नहीं कर सकते तो ये एकदम गंदा क्राइटेरिया है गंदा डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बिल्कुल नहीं है दोस्तों क्योंकि उन टोकन पर हमारा हक होता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते दोस्तों दोस्तों देखो अभी जिसको 690 मिले हैं वो लोग लो सिर्फ 69 नाइन विद्रॉ कर सकते हो और जिसको 230 मिले हैं सुन लो दोस्तों जिसको 230 मिले आप लोग तो विड्रॉ करना ही मत क्योंकि अगर बाईपी डाइप किसी एक्सचेंज पे जाते हो तो मिनिमम सेलिंग लेवल 55 है और आप विड्रॉ कितना कर पाओगे तेईस आप तो बेच भी नहीं पाओगे अगर आप कहीं लेकर जाते हो तो समझ गए ये क्राइटेरिया थी अभी सभी जगह पर इन लोगों की नेगेटिविटी हो गई है पिक्सल वर्स के बारे में नॉट कॉइन में जितने भी पोस्ट थे इनके बारे में पिक्सल वर्स से रिलेटेड सारे डिलीट कर दिए नॉट कॉइन ने टाउन ब्लॉक पे भी जितने पोस्ट थे सारे उन्होंने वहां से डिलीट कर दिए और यहाँ पर देखिए विक्टर जो ज्यादा प्रमोट कर रहा था बहुत लोगों को बता रहा था इसके बारे में टॉन का स्पोर्ट्स पर्सन जो है विक्टर उन्हें कहा है पिक्सलवर्स ने हमें ऐसा सबक दिया है ऐसा एक्सपीरियंस दिया है कि फ्यूचर में क्या क्या गलत नहीं करना चाहिए दूसरे एक्सचेंजेस ने ये बाकी के ऐप को समझ लेना चाहिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नॉट क्वाइन ने कितना अच्छा किया आई एग्री विथ यू नॉट क्वाइन डिड इट राइट एक्चुअली शोड द वे इट शुड बी डन तो कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए नॉट कॉइन ने बता दिया है और कैसा नहीं करना चाहिए ये पिक्सल वर्स ने बता दिया है दोस्तों अभी देखो उन्होंने बहुत सारे पोस्ट डाले यहां पर यहां पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं सिर्फ न्यूज प्रोवाइड कर रहा था जो पिक्सल वर्स बता रहे थे वैसे हम आपको बता रहे थे वही हुआ ना हमारे साथ भी दोस्तों जैसे वो लोग बता रहे थे पहले बताया लेवल इंपॉर्टेंट है फिर लेवल इंपॉर्टेंट करने को बोला और दो दिन पहले बोले कॉइन बैलेंस इंपॉर्टेंट है कॉइन बैलेंस बढ़ाने कह दिया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कर दिया तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग पिक्सल वर्स ने कर दी और अभी उन्होंने उनके डिस्कॉर्ड से सब कुछ निकाल दिया डिस्कॉर्ड में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं एक भी पोस्ट आपको मिलने वाला नहीं यहां पर विक्टर ने बहुत सारा कंपैरिजन कर दिया नॉट कॉइन और पिक्सल वर्स के बारे में। सुन लीजिए कितना बढ़िया बात कहा उन्होंने नॉट कॉइन का देखो उन्होंने किसी से भी पैसा नहीं लिया पिक्सल वर्स ने कैपिटल से पैसा ले लिया नॉट कॉइन ने मार्केटिंग पे जीरो खर्चा किया पिक्सल वर्स ने बहुत क्या मार्केटिंग पे खर्चा नॉट कॉइन ने एम्बेसिडर्स को कुछ भी नहीं दिया पिक्सल वर्स ने एम्बेसडर्स को बहुत कुछ दे दिया और नॉट कॉइन ने हंड्रेड परसेंट कम्युनिटी को हंड्रेड परसेंट विड्रॉल टेन परसेंट ही दे रहे और वो भी निकालने का सोच रहे नॉटकॉइन ने कभी फोर्स नहीं किया स्टेकिंग के लिए कभी फोर्स नहीं किया जैसे पिक्सल वर्स हर किसी को ऑटोमेटिकली जबरदस्ती फोर्स करा रहा है स्टेकिंग के लिए नॉटकॉइन ने इमीजिएट विड्रॉल दे दिया था और आप दो साल के बाद विड्रॉल दे रही है पिक्सल वर्स और यहां पर देखो उसने क्या कहा है नॉट कॉइन ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट नॉट कॉइन एकदम ट्रांसपेरेंट था और पिक्सेल वर्स मेड अस डर्टी पिक्सेल वर्स ने ख़राबी कर दी डर्टी कर दिया सच में माइनिंग ऐप का सारा क्राइटेरिया पिक्सेल वर्स ने एकदम डर्टी कर दिया है दोस्तों तो ये बहुत सारी कंपैरिजन है यहां पर और उसने लास्ट में ये भी कह दिया है फॉर द टीम मतलब पिक्सेल वर्स की टीम के लिए पब्लिक अपोलॉजी आपने पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए कि ये आपने ठीक नहीं किया नहीं तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो दरवाजे बंद हो सकते हैं पिक्सल वर्ष के लिए हम उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो तो हम डेली की डेली उनके ऊपर ट्वीट करते जा रहे हैं दोस्तों आपका काम बस क्या है आपको लाइक करना है और रीट्वीट करना है और हमारी ट्वीट हंड्रेड के में अगर चली जाती है उन तक बात पहुंच जाती है वो तो नहीं सुधरेंगे ऐसा तो लग रहा है वो तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे लेकिन बाकी के जो लोग है वो सतर्क हो जाएंगे और फ्यूचर में ऐसी चीटिंग कोई भी माइनिंग एप कम्युनिटी के साथ नहीं करेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहेंगे अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहीं पे विदा लेता हूँ कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी टाइम पर हमारा रेगुलर टाइम साढ़े बारह पी एम यू टी सी